कसा नाही नाही सर. बनाए सीट. चलो कहता है पहला सेक्शन क्या बोलता है, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है बताओ. वन हम पूछ रहे हैं, उसमें तुमको डाउट है कि नहीं वो वाला हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, टू, थ्री, फोर. फोर फोर क्या बोलता है कि हाउ मेनी कार्बन आर इन सिंपलेस्ट अल्काइन हैविंग टू साइड चेन. ठीक है, मतलब कम से कम कार्बन का अल्काइन बताओ जिसमें दो साइड चेन भी हो. क्या हो जाएगा बताओ, कितने कार्बन हो जाएंगे. अल्काइन बनाना है तो अल्काइन क्या होता है, सी एच, ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारा सी एच. अब दो साइड चेन देना है, दो साइड चेन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन को बढ़ाना पड़ेगा. ये रहा एक साइड चेन ये, और ये रहा एक साइड चेन ये, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा CH3. समझ में आया. लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो जाएगा, वन टू थ्री फोर, और ये तुम्हारा दो साइड चेन हो जाएंगे. बात समझ में आया. तो ये तुम्हारा फिर क्या हो जाएगा, कितने कार्बन हो जाएंगे, सिक्स. ठीक है, आंसर मिलाते चलना. उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट, एट में बोलता है द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इन द स्ट्रक्चर गिवेन बिलो आर. तो इसे स्ट्रक्चर को बनाओ, क्या दिया है तुम्हारा,
ये कितना नंबर था तुम्हारा? फोर नंबर था। क्या दिया हुआ? सी एच थ्री का होल टू, फिर सी एच सी एच टू और ये सी टू एच फाइव। तो सी एच थ्री दो है, किस पे है? दो इस सी पे। तो ये रहा तुम्हारा सी एच और ये रहा तुम्हारा सी एच थ्री और एक और सी एच थ्री हो गया। दो अभी सी एच के बगल में है सी एच टू और इस सी के बगल में है तुम्हारा सी टू एच फाइव। तो सी टू एच फाइव बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी एच टू सी एच थ्री लिख सकते हैं ना। तो टोटल तुम्हारा इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख दो सी एच टू और ये सी एच थ्री। तो कितने? ये तुम्हारा हो गया वन डिग्री, ये वन डिग्री, ये थ्री डिग्री, ये टू डिग्री, टू डिग्री और वन डिग्री। तो कितना डिग्री कार्बन बोला है? हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो सेकेंडरी यहाँ पे दो दो टू डिग्री कार्बन है तो टू डिग्री हाइड्रोजन ये हो गया ना। टू डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ से दो और यहाँ से टू डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? दो। तो टोटल कितने हो जाएंगे? फोर। ठीक है, तो चार हो जाएंगे। आंसर जो तुम्हारा है वो आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नाइन, टेन, टेन, टेन कहता है द होमोलोगस ऑफ फेनॉल। तो हम होमोलोगस सीरीज में क्या बताए थे कि जनरल फॉर्मूला के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। अब तुम जैसा ही फंक्शनल ग्रुप सेम करोगे तो जनरल फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्या होगा? सेम हो जाएगा। बात समझ में आया? तो हम सबसे पहले देखो कि किसके साथ बोल रहा है, फेनॉल के साथ। तो फेनॉल तुम्हारा इस प्रकार से होता है, इसी को फेनॉल कहते हैं ये, और OH जो है वो बेंजीन रिंग से लगा होना चाहिए तभी ये क्या कहलाएगा? फेनॉल। ठीक है, और नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज में क्या होता है यदि हम नेक्स्ट की बात करें? नेक्स्ट, ठीक है, होमोलोगस सीरीज में तुम्हारा प्लस सी एच टू यूनिट बढ़ता है, या यू कहे तो एक कार्बन बढ़ जाता है ऐसा समझ लो। ठीक है, सी एच टू यूनिट तुम्हारा इंक्रीज करेगा विथ 14U, ठीक है, 14 एटॉमिक मास के साथ। तो ध्यान में रखना इसके बगल में ये डायरेक्टली अटैच होना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी ये फेनॉल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बताओ अब आंसर कौन सा होगा? बी होगा। अब ये बोलोगे कि सर सी एच थ्री वहां तो बढ़ा है, आप बोले सी एच टू, तो यहाँ पे बगल में एच होता है तो ये एच को हटा के ही सी एच टू वहां लगा होगा ना। तो सी एच टू वो लगा और इसका वाला एच जो उसमें आया, तो टोटल क्या हो गया? सी एच थ्री, यानी इंक्रीज बाय क्या हो गया? ओनली सी एच टू। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका भी बी होगा, ये हो जाएगा। इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, अच्छा सेक्शन बी का वन, वन सेक्शन बी का बोल रहे हैं, सेक्शन बी का क्लासिफिकेशन एंड जनरल रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, नाइन तक ही है ना। उसके बाद सेक्शन सी, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। वन, टू, थ्री, थ्री में देखो क्या दिक्कत है, कह रहा था आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है? तो देखो थ्री नंबर बोल रहा है सी थ्री, ये क्या बोल रहा है तुम्हारा? क्वेश्चन है यहाँ पे बिग ब्रैकेट सी एच थ्री, सी एच सी एच थ्री का, ठीक है, ये पूरा दो है और ये दो किस पे? इस वाले कार्बन पे, और उसके बाद सी एच टू सी एच थ्री ये किस पे है? इस वाले कार्बन पे ही, मतलब नेक्स्ट वाले जो कार्बन है उस पे, ठीक है, सी इस पे, और ये रहा सी एच थ्री, ठीक है, और ये सी, और ये फिर सी एच टू, और ये सी एच थ्री का ओल टू। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दो है और किस पे? तो इस पे,
और ये भी क्या है तुम्हारा सी एच, तो सबसे पहले लिखो सी एच और उस पर क्या है एक सी एच थ्री ये और एक सी एच थ्री ये, इज दैट क्लियर। ये ग्रुप है तुम्हारा और ये ग्रुप कितना है दो ठो है, किस पे इस कार्बन पे, तो एक लाइन खींचो ऐसे दो और एक और यही वाला पूरा ग्रुप बनाओ, यानी कि सी एच और ये सी एच थ्री और ये हो जाएगा तुम्हारा सी एच थ्री, समझ में आया। उसके बाद क्या बोलता है अगले वाले कार्बन पे क्या है तुम्हारा ये पूरा, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, यहां से फिर आगे लेंगे बॉन्ड, फिर लिखेंगे सी, टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं लाइन में, एक दो तीन, तो टोटल तीन कार्बन अपने को दे देते हैं, ठीक है, यही तीनों है ना, ये देखो एक दो तीन, अब इस पे क्या है तुम्हारा ये दो आ गए, एक दो आ गए, ठीक है, अब इस पे क्या आ रहा है एक सी एच थ्री आ रहा है, केवल आ रहा है देख लो, और इस कार्बन पे क्या आ रहे हैं दो ये आ रहे हैं, हाँ इस पे क्या आ रहे हैं दो ये वाला आ रहा है, एक लिखो सी एच टू और ये सी एच थ्री और एक और लिखो सी एच टू और ये सी एच थ्री। अब इसके वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ ये वाला, हाँ दे रहे हैं अभी दे रहे हैं, इसका हम लिख रहे हैं इस वाले का, दो लिख दिए ये दो हो गए, उसके बाद इस वाले सी में तुम्हारा क्या किए एक सी एच थ्री डाल दिए, और इसके बाद देखो बगल में तुम्हारा लेफ्ट में डाले एक ये ग्रुप एक ये ग्रुप, और इसके बगल में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सी एच सी एच टू और ये क्या हो जाएगा सी एच थ्री, समझ में आया। अब इन दोनों का देखो वैलेंसी अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो इनका वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए हम दे देंगे डबल बॉन्ड, अंडरस्टूड। अब इसका तुमको काम करना है, अब इसमें तुम्हारा बताओ कौन सा हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यही होगा ना, होगा पैरेंट कार्बन चेन, क्लियर है। अब उसके बाद नंबरिंग किधर से करोगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और ये तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं वन मिथाइल इथाइल, याद है क्या बोलते हैं वन मिथाइल इथाइल है ये, ठीक है, और ये क्या है इथाइल है, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है और ये भी इथाइल है, ठीक है, तो बताओ अब कौन सा तुम्हारा नाम हो जाएगा, अब तो बना लोगे ना, हाँ अब बना लोगे, ठीक क्या आंसर आ जाएगा, ए आ रहा है ना, ठीक है देख लो आंसर की मैं चेक कर लेना थोड़ा सा, सी फोर आ रहा है ना, ठीक है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, हाँ ठीक है सेक्शन डी, सेक्शन डी बोलता है यूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्किन एंड अल्काइन, अच्छा रुको बगल वाले में भी पूछ लेते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत है तो वो डिस्कस करते हैं। Thank you.
Leucopolysis, तो यार C4 देखेंगे, C4 थोड़ा सा क्या बोलता है, IUPAC नो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, कौन सा कंपाउंड है, C4 C4 ठीक है, क्या दिया हुआ तुम्हारा CH3 C और ये ऊपर में F, नीचे में तुम्हारा CH2 CH3, ये तुम्हारा CH2, ये तुम्हारा CCl, ये तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा CH2 और ये CH3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा, कौन सा होगा, ये वाला देख लो। अब नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से भी तीसरे पे आ रहा है, इधर से भी तीसरे पे आ रहा है, तो प्रीफिक्स रूल लगेगा, पहले क्लोरो या पहले फ्लोरो, फ्लोरो, तो नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, आप बना लोगे है, क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, क्लोरो डैश 5 फ्लोरो डैश 3.5 डाइमिथाइल और हेप्टेन, है नाम C6 भी प्रॉब्लम है, C6 में, ये तो नोटबुक वाला क्वेश्चन है जी, C6 हाँ है ना, CH3 CH2 CH2 C और ये C और फिर ये CH3 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 फिर लिख रहे हैं CH CH3 और ये CH3 CH2 CH2 और ये CH3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन होगा, यही होगा ना, हाँ क्या क्या, ऊपर से नीचे आओगे तो कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, समझ में आया क्यों लिए, नंबर ऑफ कार्बन यदि सेम हो जा रहा है, हो जाएगा तब हम लोग मल्टीपल बॉन्ड, और मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, साइड चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, इफ बट व्हेन इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम, अंडरस्टूड, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं है, अपने को लॉन्गेस्ट चेन लेना पड़ेगा विद मल्टीपल बॉन्ड्स, जो कि है नहीं, विद साइड चेन, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। सो नंबरिंग किधर से फिर हम लोग करेंगे, फ्रॉम राइट यदि जाए तो 1, 2, 3, 4 पे आ रहा है, और इधर भी 1, 2, 3, 4 पे आ रहा है, ठीक है, दोनों 4 पे आ रहे हैं, तो इसका वाला नाम क्या लिखते हैं हम लोग, बोलो 1.1 डाई मिथाइल इथाइल, यही लिखते हैं ना जी कॉम्प्लेक्स में, और इसका नाम क्या लिखते हैं, 1-methyl और इथाइल, और आपको बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स में ये डाई का डी काउंट करते हैं, बताया था ना, और यहाँ आपका बच रहा है मिथाइल, तो पहले कौन लिखेंगे, तो नंबरिंग इधर से होगा, फ्रॉम लेफ्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, 4 डैश और अंदर में लिखेंगे 1.1, ठीक है, डाई मिथाइल, यही लिखेंगे ना, और इथाइल, और ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या लिखेंगे, डैश 4 डैश ब्रैकेट स्टार्ट 1-methyl और इथाइल ब्रैकेट क्लोज एंड ऑक्टेन, कहां पे, अच्छा सॉरी, ये नंबर 5 होगा, आ रहा है, क्या दिया हुआ है, आइसो दिया हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें आपका इस वाले पार्ट को हम कहे थे कि ये भी लिख सकते हैं और आइसो भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन इसको नियो मत लिख देना, ये टर्ट लिख सकते हैं, इसको टर्ट लिया जा सकता है, बट टर्ट और आई जो आइसो है वो अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम में इस्तेमाल होता है,
सो मोर करेक्ट यदि हम बात बोले सो दिस वन, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो वी कैन ऑल्सो यूज आइसलैंड, टर्ट एंड नियो, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। क्वेश्चन अब आ जाओ, डी वाले हम लोग बात कर रहे थे ना, डी वन, डी टू, डी थ्री, डी फोर, डी फाइव में भी किसी को प्रॉब्लम है क्या? डी फोर में भी है शायद किसी को दिक्कत, कोई बोल रहा था। डी फोर हम देखते हैं सबसे पहले, डी फोर क्या बोलता है? CH3, आसान सा सब क्वेश्चन है। यदि नोटबुक के क्वेश्चन और यहाँ पढ़ाते वक्त तुम्हारा ध्यान रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, वहीं से सब कुछ है, थोड़ा ध्यान दोगे तो अच्छा होगा। CH3 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? C, और यहाँ से क्या है तुम्हारा? CH3, और नीचे में C2H5, और यहाँ भी है तुम्हारा C2H5। लॉन्गेस्ट चेन विथ मल्टीपल बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? ऐसे चला जाएगा ना, देख लो, क्लियर है, और एक ही मल्टीपल बॉन्ड है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा दो, तो यही काउंट कर ले क्योंकि दो कार्बन यहाँ पे आ गए, 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 6, और तीसरे और चौथे पे क्या है? डाइमिथाइल। समझ में आया? तो नाम क्या हो जाएगा? 3.4 डाइमिथाइल 3 हेक्सीन, ठीक है। चलो D5, D6 बोलता है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ 2-ethyl-3-pentyne इज, एक्चुअली ये जो नाम लिखा हुआ है वैसे उसके अकॉर्डिंग तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसका IUPAC गलत तुमको मिलेगा। जैसे कि D6 बोलता है, D6 में क्या नाम लिखा है? 2-ethyl-3-pentyne, यानी कि तीसरे पे क्या है तुम्हारा? YNE, ठीक है, और टोटल कार्बन क्या है? 5। समझ में आया? तो हम 5 कार्बन लिखे, ठीक है, और तीसरे पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, तो तीसरे पे क्या दिए? बोलो, ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ यदि हम तीसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड दे रहे हैं तो इधर से नंबरिंग होना चाहिए था ना, समझ में आया? क्योंकि 5 ही कार्बन है तो तीसरे पे डबल बॉन्ड कैसे हो सकता है? दूसरे पे मतलब नंबरिंग हम इधर से थोड़ी कर सकते हैं, फिर तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे ना, लोएस्ट लोकेंट जितना जल्दी मिले। और क्या बोल रहा है यहाँ पे? हाँ, 3 पे इथाइल भी है, तो 3 पे देखो यहाँ पे इथाइल यही तो है, हाँ, अच्छा सॉरी 2 पे इथाइल है, तो ये 2 पे लो इथाइल, नीचे कर देते हैं, तो अब फिर और गलत हो गया, लॉन्गेस्ट चेन फिर वो नहीं होकर के फिर कहाँ चला जाएगा? नीचे जाएगा ना, यानी कि अब इसका पूरा जो नंबरिंग, अब देखो ये स्ट्रक्चर बना अकॉर्डिंग टू दिस, वो जो कहा उसके अनुसार, तो नंबरिंग क्या होगा? ये 1 2 3 4 और 5, यही होगा ना, यानी हाँ 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 6, तो नाम क्या लिखेंगे हम लोग? बोलो, 4-methyl, ठीक है, और हेक्स या 3-hex-2-hexene-hexine, समझ में आया? या फिर hex-2-yne, ठीक है, देखिए तो एक्चुअल नाम इसका ये हो जाएगा, वो जो जैसे बोला था ना उसके अनुसार स्ट्रक्चर बना दे तो गलत आ रहा। बोलो D5, उल्टी गंगा बहा रहा तुम है? चलो D5 बोल रहा है द IUPAC कंपाउंड ऑफ दिस, IUPAC कंपाउंड इसका क्या होगा? तो कंपाउंड क्या है? CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, फिर से आ गया तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड इसको मिटा दे रहे हैं जी थोड़ा सा, CH सिंगल बॉन्ड और ये C और ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर ये आ जाएगा तुम्हारा CH3। तो देखो यहां से
डबल बॉन्ड भी यहाँ दूसरे पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी दूसरे पे आ रहा है। इफ डबल बॉन्ड और सिंगल ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम है तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आएगा उधर से, और यदि दोनों का पोजीशन डिफरेंट है तो जो पहले आएगा उधर से उससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो अब लिख नहीं लोगे नाम डाइएन और उसके बाद जितना पे वाई एन ही आ रहा है, अब लिख लोगे? अरे बोलो, डी फाइव है ना। हाँ क्या हो गया, क्या क्या बोल रहे हो, बोलो। 8 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा क्वेश्चन में हम ये कम किए हैं क्या, ये सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच। अच्छा हाँ एक्चुअली ये गायब होगा, लो अब ठीक है हो जाएगा ना। 6 D6 D7 D8 कौन सा D8 में क्या बोल रहा है, थोड़ा मिटा देते हैं। इसमें लगा हुआ था वो भी नहीं पता चल रहा। आवाज जा रहा है, देखो ना एक बार। हेलो आवाज जा रहा है, नहीं बुलाओ उनको। बोलो और किस में, किस वाले में D8 वो खुला था अभी तो उसको एक बार चेक कर लीजिए। ओके हेलो, इतना ये हो गया है ना। D8 ठीक है, तो D8 क्या बोल रहा है, किस तरीके से स्ट्रक्चर है। बेसिकली यहां से यहां तीन लाइन है ना, मतलब कि यहां एक कार्बन है और यहां एक कार्बन है, समझ में आया। यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन होगा, किधर से होगा, यहां से यहां जाएगा ना। ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। अब देखो ये तुम्हारा इथाइल है, ये मिथाइल है, अब कर लोगे ना। इन पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल वाले को, क्योंकि दोनों का पोजीशन क्या है सेम। अब होगा D8
पाला वाला है। हाँ हाँ ए, उसमें सबसे पहले डबल बॉन्ड लिखेंगे फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे, ठीक है? पहले ई एन देन उसके बाद दो आई एन, अभी बोले तो। चलो डी नाइन डी टेन एलेवन ट्वेल्व, अच्छा इलेवन के बाद ई सेक्शन ई आई यू पी एस सी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव ई सिक्स, ई सेवन, कौन सा ई सेवन, ठीक है उसी तरीके से करो ना। दिखने में ये कैसा लग रहा देखो जरा सा, ये तुम्हारा सही है ना, ऐसा, यानी कि सिक्स कार्बन का रिंग है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेम है ना, ठीक है आ रहा, और बीच में एक कार्बन है केवल, तो ये देखो, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो ये लो डबल बॉन्ड। आप लिख सकोगे नंबरिंग क्या दे देंगे, वन टू, नंबरिंग इसी से होगा, किससे, ब्रिज हेड से, नंबरिंग कहां से करोगे, ब्रिज हेड से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन मान लेते हैं कार्बन। तो हम लोग नंबर कैसे लिखते हैं, बाई साइक्लो ब्रैकेट में आ जाओ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, इधर से दो कार्बन है, इधर से भी दो कार्बन है और इधर से वन कार्बन है, हो गया, और कितने कार्बन है टोटल, सेप्ट सेप्ट डैश टू डैश ई एन ई, अच्छा हाँ हेप्ट सॉरी, तो क्या हो जाएगा हेप्ट डैश टू डैश ई एन ई, ठीक है क्लियर हुआ। 8, 9, 10, 10, डी टेन, उसमें से देखो बीच वाला जो रिंग है ना उसको मानो पेरेंट चेन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें ज्यादा है, और बगल में मिथाइल, उसके बाद नंबरिंग कर दो, ये देखो जरा सा ई टेन है, ये देखो, तो इसमें मेरा नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, तो नंबरिंग एक तो ये क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल है ना, साइक्लोप्रोपाइल, और ये क्या है मिथाइल, तो पहले कौन लिखेंगे, क्योंकि दोनों का नंबर यदि इसको वन करोगे तो ये फोर थ्री आएगा, और इसको वन करोगे तो ये थ्री आएगा, तो नंबरिंग के लिए फिर क्या करेंगे प्रीफिक्स रूल, तो प्रीफिक्स किसका पहले आएगा सी का, तो ये करेंगे वन, ये करेंगे टू, ये करेंगे थ्री, ये करेंगे फोर, तो इसका क्या लिखेंगे, वन साइक्लो प्रोपाइल डैश थ्री मिथाइल, ठीक है साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है समझ में आया। नाउ नेक्स्ट ई इलेवन ई ट्वेल्व ई थर्टीन ई ट्वेल्व, नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट रूल और साथ ही साथ प्रीफिक्स रूल के साथ ये होगा। ये देखो सबसे पहले तो देखो कौन क्या है, ठीक है
नंबरिंग तो बाद में, सबसे पहले देखेंगे कौन किधर से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। किसको, ये वाला तुम्हारा क्या है प्रोपाइल, ये वाला क्या है इथाइल, ये क्या है और ये क्या है इथाइल। सबसे पहला नंबर हम लोग किसको देंगे, कौन आ रहा है इथाइल आ रहा है ना। अब इसमें भी ये इथाइल या फिर ये इथाइल, कौन सा ऊपर वाला ये, ठीक है। अब लोएस्ट लोकेंट किधर से जाएंगे कि सब कम मिले, एक के बाद क्या होगा ये 2, 3, 4, 5, 6। तो ये अपने को नंबर क्या मिला यहां से 1, 2, 4, 6। यदि हम लोग इधर से आएंगे तो अपने को क्या मिलेगा 1, 3, ये 3 हो जाएगा ना, उसके बाद 4, उसके बाद 6, ये मिलेगा। तो करेक्ट कौन है, समझ में आया, आ रहा है ना। नाम फिर हम लोग क्या लिखेंगे, और सबसे पहले ई लिखेंगे 1, 4 डाइथाइल, ठीक है, और उसके बाद 2-2 मिथाइल, 5 प्रोपाइल, साइक्लो एक्सेन। कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक मैच कर रहा है ना आंसर की, एक बार मिला ठीक। 13, अब आ जाओ एफ, सेक्शन एफ, F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इथाइल मिथाइल विनाइल एमाइन। अब विनाइल पढ़ाए हैं, विनाइल और एलाइल, ठीक है। ये तुम्हारा 3 डिग्री वाला एमाइन है क्या, है ना, 3 डिग्री वाला एमाइन है। तो 3 डिग्री वाला एमाइन का क्या बताए थे, कल ही पढ़ाया ना शायद, कल ही खत्म हुआ है। तो ये रहेगा तुम्हारा डैश एन डैश, ये यहाँ भी रहेगा आर, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर, तो दो तो रहेंगे अल्काइल और एक रहेगा पैरेंट कार्बन चेन रहेगा ना। तो हम लोग क्या लेंगे, क्या बोलते हैं एन अल्काइल, ठीक है, डैश एन अल्काइल और अल्केना, यही लिखे थे ना, आ रहा है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ, अच्छा विनाइल, जिसमें से हम ये बताए थे कि डैश या सॉरी CH2CH और सिंगल बॉन्ड, ये है तुम्हारा विनाइल, इतना पार्ट डबल बॉन्ड के साथ, और क्या बोले थे CH3CH डबल बॉन्ड CH डैश, ये है तुम्हारा क्या एलाइल, समझ में आया। अब बनेगा क्या तुम्हारा इथाइल मिथाइल विनाइल, कौन है जी, बी आया आंसर, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 14 इसका नाम है, बेसिकली ये क्या है, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वही है ना, ऐसे करके ऐसे लिख दो या ऐसे लिखो, क्या दिक्कत है, चलो हटा देते हैं।
यही हो गया, ठीक है। अब बताओ नंबरिंग कहां से करोगे? ये ब्रिज हेड वाला है, मतलब कि ये क्या है, बाईसाइक्लो है क्या? और बाईसाइक्लो का नंबरिंग हमेशा कहां से होता है? ब्रिज हेड से। तो ये ब्रिज हेड या ये ब्रिज हेड, किस ब्रिज हेड से चालू करें? ऊपर वाले। तो ये होगा वन, और लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट। अच्छा, अब फंक्शनल ग्रुप किधर मिल रहा है? ये होगा टू, ये होगा थ्री, ये होगा फोर, ये होगा फाइव, ये होगा सिक्स, और ये होगा सेवन। आया समझ में? नाम क्या लिखोगे? वन कॉमा वन, सॉरी वन कॉमा सेवन कॉमा सेवन, ट्राई मिथाइल। यही होगा ना, है ना? अरे सेवन पे ये दो क्या है? मिथाइल ही तो है, समझे क्या? सेवन पे वो क्या है? मिथाइल ही तो है। तो वन कॉमा सेवन कॉमा सेवन, ट्राई मिथाइल। अब आ जाओ, क्या है ये? बाईसाइक्लो। अब बनाओगे ये ब्रैकेट में, आ जाओ क्या हो जाएगा? टू कॉमा टू कॉमा वन, ब्रैकेट क्लोज, हेप्टेन डैश टू ओ एन ई, ये नाम होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? कैम्फोर। चलो हाँ सुनो, अच्छा तुम ही जाओ उस क्लास में पूछो कि एफ थर्टीन तक में कहाँ कहाँ दिक्कत है, कौन कौन से क्वेश्चन में, थर्टीन तक में कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट, लिख करके ले आना। F7 और F8, ठीक है। F7, अरे जिसने भी बोला उसने नोटबुक नहीं देखा है क्या? F7 क्या जी, बाहर का है क्या F7? है ये CH2OCH और ये CH3, ये क्या है? इपॉक्सी। नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से, वन टू थ्री। क्या लिखोगे? 1.2 इपॉक्सी और प्रोपेन होगा। F8 IUPAC नेम, ठीक है। चलो इसका बताओ किधर से, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? OH। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 उधर, उसके बाद ये क्या होगा? 2, ये क्या हो जाएगा? 3, और ये क्या हो जाएगा? 4, यही होगा ना। तो नाम क्या लिखेंगे? 4 पे क्या है? मिथाइल। 4 हो जाएगा मिथाइल और साइक्लो ब्यूट डैश 2 ENEENEOL, और ज्यादा लिखना है तो EN-1OL, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। कौन सा है? बी ना। चलो अब G1 में आ जाओ। G1 IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। G1 थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि काफी क्वेश्चन है। G1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में, 9 बेसिकली क्या है तुम्हारा? CH2, ठीक है। CH2 C डबल OH
OH, सी डबल OH और सी डबल OH, यही तो है ना। और OH को हटा करके तो हम लोग किए हैं, यहाँ OH आ गया तो ये अपना क्या हो जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन होगा। और नंबरिंग क्या होगा, 1, 2 और 3, और इसका क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी लिखेंगे ना। तो फिर नाम बताओ क्या हो जाएगा, 2-hydroxy, ठीक है, प्रोपेन डैश 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 10 प्रोटोनिक, इसको कॉमन नेम अभी बाकी है ना अपना, कॉमन नेम कल लेने वाले हैं तो कल वो क्लियर हो जाएगा, नाम दे देंगे कॉमन नेम का। 12, चलो आ जाओ, H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 के बाद सेक्शन नेक्स्ट एरोमेटिक वाला, 1, 2, 3, 4, 4 में ये देखो तुम्हारा क्या है, I4 Cl, ये बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, ये O और फिर बेंजीन रिंग, ये क्या है तुम्हारा, कौन सा ग्रुप है, ईस्टर। और एक हम लोग नाम क्या लिखते हैं, अल्काइल अल्कानोएट, क्या लिखते हैं, अल्काइल अल्कानोएट, ठीक है। तो बताओ कौन सा तुम्हारा लेंगे हम लोग, एक तरफ फेनाइल है और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके रेफरेंस में ये किस पॉइंट पे क्लोरीन है, 4, यानी पैरा भी लिख सकते हैं, पैरा क्लोरो, ठीक है, वैसा भी चाहे तो लिख सकते हैं आप, देखें नहीं इसमें तो वैसा नहीं लिखा है पैरा दे करके, तो बताओ क्या लिखेंगे, अब ये वाला हम क्या मानेंगे, पेरेंट चेन, क्योंकि ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। और चूंकि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है इससे, तो सॉरी ये वाला अपना क्या जाएगा, साइड, और नहीं अल्काइल वाला ये पार्ट रहता है ना, अल्काइल, हाँ ये वाला अल्काइल और ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, अल्कानोएट, ठीक है। लेकिन प्रीफिक्स तो लिखना पड़ेगा अपने को, तो प्रीफिक्स तुम्हारा कितना पे आ रहा है, चौथे पे ना, 1, 2, 3 और 4, तो सबसे पहले तुमको क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला पार्ट तुम्हारा O से डायरेक्टली अटैच रहता है, देखो जरा सा, R, C डबल बॉन्ड O, O और R, तो ये वाला होता अल्काइल, यही बोले थे ना, और ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा अल्कानोएट वाला, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये डायरेक्टली अटैच है इससे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या लगेगा, उसका बोलो, सुपर सफिक्स तुम्हारा लगेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या लिखेंगे, फेनाइल, फेनाइल, और ये चौथे पे, फोर्थ पे क्या है तुम्हारा, क्लोरो ना, तो 4 क्लोरो, और ये रहा तुम्हारा बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 5, उसके बाद सेक्शन जी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोला है, उसको स्किप करना है क्योंकि आइसोमेरिज्म जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखना, उसका सीट अलग से देंगे, तो पूरा इधर आ जाओ मिसलिनियस में, पूरा के भी छोड़ो, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, वो भी तुम्हारा जब आइसोमेरिज्म करेंगे तब, ठीक है। मिसलिनियस में आ जाओ, इधर कोई दिक्कत है, अच्छा उससे पहले का जरा पूछ करके आओ, तो कोई भी एक आदमी जाओ ना, पूछ करके आओ,
मिसलिनियस में आ जाओ, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के 9 तक। मिक्स्ड ऑब्जेक्टिव में आ जाओ, वन टू थ्री फोर फाइव बनाए होगी, बस हम इसी तरह करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कितने लोग बनाए हैं? एक केवल, और एक ये पीछे भी बैठो। बताओ, वन से लेकर के नाइन में फर्स्ट पेज। हाँ, आइसोमेरिज्म का छोड़ देना है। अच्छा, ये पूरा उसी का दिया है क्या? हाँ, 4 to 8 ना। हाँ, उसको छोड़ना है, उसको स्किप करना है। चलो, 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10। बस 10 में दिक्कत है तो बताओ फिर आइसोमेरिज्म का। चलो, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में आ जाओ। IUPSC किसी का दिक्कत है? एक्स 1 to 12 में ट्राई करो, लिखो ना। तुम लोग तो लिख ही नहीं रहे हो, बस घर में जा रहे हो, ऐसे ही बैठ रहा हो। होमवर्क जो दिया, ये क्या है सीट? तुम्हारा होमवर्क ही है ना, इतना करते क्यों नहीं हो फिर? चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाता, लेकिन सीट डिस्कशन कर लिए पूरा हम। बस थोड़ा सा कॉमन नेम अपने को बताना है, वो भी कई सारा पाठ हम बता चुके हैं जो जो इंपॉर्टेंट है साथ में ही IUPSC के। चलो, 25 बोलता, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द लोएस्ट हाइड्रोकार्बन विच कंटेन SP एंड SP2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ओनली लोएस्ट हाइड्रोकार्बन बताना है जिसमें SP और SP2 हाइब्रिडाइज्ड हो। SP का मतलब होता है 2π bond, अंडरस्टूड? और SP2 का मतलब होता है तुम्हारा 1π bond, और SP3 का मतलब होता है 0π bond। सिंपल, ठीक है, ये पहले ही बताएं। अब बना लोगे? क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूलर वेट निकालना है SP और SP3 हाइब्रिड। तो SP3 SP2 के लिए, SP के लिए क्या करना पड़ेगा? CH डबल बॉन्ड, CH करना पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड, और SP2 के लिए एक पाई बॉन्ड, तो बगल में पाई बॉन्ड लगा नहीं सकते हैं, तो उसके बाद एक लाइन खींचना पड़ेगा CH और डबल बॉन्ड फिर CH2 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया SP, ये क्या हो गया SP, ये क्या हो गया SP2, और ये क्या हो गया SP2, इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कार्बन कितना है? C4 है, C4 है ना, है? C4 हो गए, और H कितना हो गया बताओ? 2, 2, 4 और 1, 5 C4H5। तो कार्बन का कितना होता है? 12 × 4 और +1 × 5 48, और प्लस कितना हो जाएगा? 550। मिला लो आंसर। क्या हाइड्रोजन? अच्छा, ज्यादा हो गए क्या यहाँ पे? हाँ, यहाँ एक हाइड्रोजन ज्यादा हो गया। अब ठीक है, तो हाइड्रोजन एक कम कर दो C4H4, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 52। चलो, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 फोर तो बता चुके हैं ना, कल ही बताए हैं। वैसे ये कंपाउंड है जिसका IUPSC सॉरी कॉमन नेम एक्सेप्टेड है IUPSC, उसका उस वाले का ये एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, अभी 6, 7 देखो, द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक पॉसिबल फॉर हाइड्रोकार्बन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6। क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे C4H6 का साइक्लिक? कितने साइकिल होंगे इसमें बोलो? DU निकालो, DU
डी यू क्या बताता है? पाइप, पाइप बॉन्ड और रिंग, तो उससे जितना डी यू आएगा उतना रिंग। अंडरस्टूड? डी यू निकालना है। हाँ पार्ट टू आ जाओ, पार्ट टू। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, जनरल फॉर्मूला बताए हैं किसका क्या होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, कौन सा, सेवन। सेवन में वहां पे थोड़ा जो मोटा लाइन है वो डबल बॉन्ड है शायद, देख लो। नहीं नहीं सिंगल बॉन्ड ही है, कहीं ऑप्शन में ई एन ई नहीं दिया है, ठीक है तो सिंगल बॉन्ड ही है। क्वेश्चन क्या बोलता है? सेवन, ये देखो कहां से ले जाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन तो ये होगा, नंबरिंग किधर से होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। फोर पे क्या है, दो मिथाइल, थ्री पे क्या है, मिथाइल। लिख लोगे? हाँ क्या लिखोगे, थ्री इथाइल, फोर कॉमा फोर डाई मिथाइल हेप्टेन, आंसर फोर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर टेन, और ए आई ट्रिपल ई वाला जो पहले वाला जो है ना, ए आई ट्रिपल ई इक्विवेलेंट टू मेंस, तो जो आया हुआ पेपर है वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है तो सरकारी चीज ही ना, इधर वाला मेंस वाले नीट में डालते हैं, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीट में नहीं आए हुए हैं लेकिन मेंस में आए हुए हैं, तो मेंस से उठा के नीट में डाल सकता है, और कई बार ऐसा देखा गया है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज फोर, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जाके बगल से पूछ करके आओ, एक्सरसाइज थ्री तक में कोई दिक्कत है। एकदम सॉल्व करो ना, एडवांस का नहीं, वो मेंस वाला ही। कौन सा क्वेश्चन है, कहां पे वाला, नहीं दिक्कत, पार्ट वन वाला क्या? हाँ एकदम ठीक है, वो वही डाला हुआ है जो कि तुम्हारे लिए है, जो उधर आया है तुम में भी कॉपी पेस्ट हो सकता है, या उसके कॉन्सेप्ट तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करेंगे। चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन खुद से करोगे क्या, है एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको खुद से करो, थोड़ा सा लगाओ, एनसीईआरटी पढ़ोगे थोड़ा सा तो वहां भी मिलेगा, और एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर है, उसका आदत लगाओ एनसीईआरटी पढ़ने का। फिर भी बता दो, वन टू थ्री कोई दिक्कत है, उधर सब होगा ना तो ये भी होगा, इससे पहले जो पढ़ाया हुआ है ना वो कर लोगे तो ये भी हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो, 1 टू 17 में। क्या फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी वाला, उसका 10 पी, पी मतलब पैरा, पैरा पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे क्या बोलता है, दसवां नंबर 10 पी सी एल, ठीक है, पी डैश सी एल, सी सिक्स एच फोर सी एच टू सी एच और सी एच थ्री का होल टू। सी सिक्स एच फोर नजर आ रहा है ना, बेंजीन में सी सिक्स एच सिक्स होता है, तो ये सी सिक्स जैसा ही नजर आए ना तो समझ लो कि वो बेंजीन वाला ही पार्ट है। अब इसका देखो ना क्या कर रहा है, ये स्ट्रक्चर बना दिए, और सब जगह कार्बन दो, हाइड्रोजन मत दो, तो केवल सी सिक्स होगा ना, और डबल बॉन्ड डाल दिए हम सब जगह, सब जगह हाइड्रोजन होना चाहिए। अब पैरा पे बोलता है क्लोरो, पैरा पे क्या डालना है, क्लोरो, तो लो नीचे वाले पोजीशन पे डाल दिए सी एल, एक हाइड्रोजन वहां एडजस्ट हो गया, छह हाइड्रोजन होता है, अब एक हाइड्रोजन हटा करके क्या डाले सी एल, अब कितना हाइड्रोजन बचा है, पांच। अब एक जगह क्या डालो यहां पे तुम, सी एच टू,
अच्छा इसका मतलब है कि ये वाला तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है, उसके रेफरेंस से पैरा पे क्या डाला है सीएल, तो पैरा यदि हम सीएल इसको पूछे तो क्या ये वाला मेरा पॉइंट होगा क्या, जहां पे अपने को वो ग्रुप को सेट करना है, तभी तो उसके रेफरेंस पॉइंट में ये वाला पोजीशन पैरा होगा। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तुम्हारा क्या है सी एच, ये देखो सी एच और बगल में सी एच टू, बगल में सी एच टू और ये दो ठो सी एच थ्री, तो ये सी एच थ्री और ये सी एच थ्री, चेक करो अब हो गया क्या, सी सिक्स एच फोर हुआ, हाइड्रोजन हटा के वहां भी ग्रुप लगाए हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। अब निकाल लोगे सेकेंडरी टर्सरी, चलो और कोई दिक्कत है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर सेवन एनसीईआरटी वाला ना, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सेवन नंबर ना, पी कॉमा पी डैश डाई डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफेनॉन, बेंजोफेनॉन क्या बताए थे, कॉमन नेम बताए एसीटोफेनॉन और बेंजोफेनॉन, अरे कल ही बताए हैं रे, गधो। ये बताए थे ना, दोनों बेंजीन लगा हुआ कार्बोनिल कंपाउंड से, इसका नाम बताए थे बेंजोफेनॉन, याद आ रहा है, दो बेंजीन लगा हुआ बगल में अगल बगल और एक बेंजीन रहेगा एक सी एच थ्री रहेगा, दैट इज कॉल्ड एसीटोफेनॉन, इसी का नाम है बेंजोफेनॉन। और पैरा पे क्या बोल रहा है, डाइहाइड्रोक्सी, यानी इसके पे लगा दो OH, हो गया पैरा पे हाइड्रोक्सी, और इसके वाले पे भी लगा दो OH, हो गया, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, चलो जाओ पूछ लो तो, एनसीईआरटी में कोई दिक्कत है, और पीछे कुछ कुछ क्वेश्चन का तुम्हारा बना करके भी दिया हुआ है, ठीक है, तो वो भी वहां से भी तुम थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हो, एनसीईआरटी क्वेश्चन वगैरह जो है। बनाए ही नहीं है वो लोग तो कहां से दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा। चलो हो गया है? चलो अब हम अपना काम चालू करते हैं, पूछे।